ये घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टिकरण कर उदय निधि स्टेलिंग के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक हैसियत नहीं रहा, अब नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं जिसे 2024 में देश की जनता नकारने वाली है। इसी के साथ साथ काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पहले फंसाते हैं और अब बचाने का झांसा दे रहे हैं। इसी के साथ इंडिया अलायंस को घमंडिया करार देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। देखिए, घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टिकरण कर उदय निधि स्टेलिंग के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टेलिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। यह सनातन के पक्ष में है, यह सनातन को समाप्त करने वाले जो पार्टी है उसके साथ खड़े हैं। यह स्पष्ट तौर पर घमंडिया गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए। स्टेलिन के बातों से सहमत है कि नहीं सहमत? दूसरी बात, बिहार में जनता दल यू लगातार यह प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रही है कि जातीय सर्वेक्षण का विरोध कुछ पार्टियां कर रही है। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी से, आप कब सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं नीतीश बाबू? कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना ही आपका धर्म है? बिहार के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बनाया था, उसका रिपोर्ट आया, कोई काम नहीं। ईबीसी आयोग का गठन, अति पिछड़ा का आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ और एक साल हो गए। हम विधायक के तौर पर विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल भी रहे, लेकिन रिपोर्ट आज तक हम लोगों को नहीं मिला। यही है नीतीश कुमार जी का जादू। और आज जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट ये दबा दिए, ये दबा कर बैठे हैं। जब रिपोर्ट आ गया तो जारी क्यों नहीं करते हो नीतीश कुमार जी? जारी करो। यदि आप जारी नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट है कि आप पिछड़े विरोधी, अति पिछड़े विरोधी हैं और बिहार में पिछड़ों का कल्याण नहीं चाहते हैं। यही है नीतीश कुमार जी। सनातन और हिंदुत्व पर बार बार टारगेट होता है, क्या इंटेंशन रहता होगा? ये पूरी तरह तुष्टिकरण वाले लोग हैं, ये लोग तुष्टिकरण से चल रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये नहीं चल सकता है। ये माँ सीता की जन्मभूमि है, भगवान राम इस पूरे देश के राम थे, इसलिए पूरी तरह सनातन को समाप्त करने वाला घमंडिया गठबंधन को बिहार की जनता और देश की जनता अगले चुनाव में समाप्त करेगी।
जेडीयू के विधायक सवाल है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक टास्क किया है पार्टी के नेताओं को और कहा है कि आप लद्दाख जाइए, वहाँ जाकर जो स्थिति है वो देखिए कि चीन ने कितने भूमि पर भारतीय भूमि पर कब्जा। अब देखिए जिस पार्टी की राजनीतिक हैसियत 43 सीटों की हो वो चीन की बात कर रहा। कल मैं सुन रहा था कि चीन में एक कमेटी का गठन करके भेज रहे। अरे भाई अपना काम करो ना, चीन आपका सब्जेक्ट है क्या? जो काम आपको आता नहीं है वो काम क्यों करना चाहते हो? बिहार की भलाई की बात करो, बिहार बर्बाद हो रहा है। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया पूरी तरह सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं और आप चीन की बात कर रहे हैं। चाइना वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी है और मुरकट्टा पार्टी जो माले वाले हैं उनके साथ गठबंधन आपका, चाइना स्पॉन्सर जो स्कीम चलते हैं मार्क्सिस्ट वाले लोगों का वो आपके साथ खड़े हैं। चाइना के साथ गलमैया करने वाली कांग्रेस पार्टी वो आपके साथ। अरे हम तो चाइना विरोधी हैं, चाइना से लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, इतना स्पष्ट रहिए। जनता दल यूनाइटेड को देश की सुरक्षा का सवाल सोचना भी बंद कीजिए, आप सुरक्षा का बात सोचिए कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं। और एक घटना हुआ था मणिपुर में, उसके लिए पूरा घमंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर आ गए। क्यों नहीं राजस्थान में मुंह खुल रहा है? बेगूसराय में घटना घटी, क्यों नहीं जनता दल यू का मुंह खुला? ये लोग मुंह खोलने वाले पार्टी नहीं है, सिर्फ ऑपर्चुनिस्ट है, सिर्फ समय के हिसाब से राजनीति करना जानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार स्वयं पलटू मार रहे हैं, ये पलटी मारते हैं जिनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। अब बिहार की जनता तय कर चुकी है 24 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने वाला है और लालू जी का तो खाता खुला ही नहीं। जेडीयू के विधायक